तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महिंद्रा 415 DI। जैसे इसका जो हाइड्रोलिक है ऊपर आके जाम हो चुका है, इसको टापा को निकाल लिया हूँ। अभी टापा निकालने में देखते हैं क्या हुआ है अंदर में, और चक्का का जो सील भी है, सील भी डालना है। पहले टापा को उतर के आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। देखो तो इसका जो है टापा को उतर के डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लिया हूँ। इसका जो मसला है देखो तो ये स्प्रिंग टूट चुका है, जिसके कारण जो है हाइड्रोलिक ऊपर ऊपर फंस गया था। और इसका जो वायरिंग है, वायरिंग भी ख़राब हो चुका है, वायरिंग को भी चेंज कर देंगे इसको। इस तरीके से आपको वायरिंग को, पूरा जो वायरिंग है वायरिंग को सेटिंग कर देना है। वायरिंग का पार्ट नंबर भी देख सकते हो, पार्ट नंबर एकदम क्लियर दिखाना ना, दिख रहा है ना। ऐसे थोड़ी बन सकते हैं। इस तरीके से आपको वायरिंग को पूरा फिटिंग कर लेना है। पिस्टन देख सकते हैं इसका, इसका जो भौरा का ओरिंग है ओरिंग को पूरा चेंज कर दिया हूँ। ये भी चेंज है, इसका जो पुराना वाला है। राजा भौरा को कुछ इस तरीके से सेटिंग करके इसको को सेटिंग करना है। हथौड़ी दे दो थोड़ा कड़क से। ठीक ठीक कौन किसको चूतिया बनाएगा? मैं भी नहीं बोल रहा बोलेंगे। इसको भी ओरिंग नया डाल दिया हूँ। पिस्टन एक वाल और एक स्प्रिंग। ओरिंग है देख सकते हो, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ओरिंग यहाँ पर ना। चलो लिंक रोलर है, इसको भी कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग कर लेना है। अच्छा वही गलती कर दी बोल। तो डिस्ट्रीब्यूटर फिटिंग हो चुका है, अभी इसका जो है इसको कुछ इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। चलो इसको थोड़ा उठाओ, ये जो खांचा है, ये जो लिंक रोलर के अंदर में आपको सेटिंग करना है। और उठा, और उठा। चलो पिन को कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। टाइट हो गया?
ट्रायल लेके आना, कुछ लेके। तो ये स्क्रीन को कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सेटिंग कर लेना है। पूरा जो सामान है सेटिंग हो चुका है, लॉक भी लगा लिया हूँ, यहाँ का लॉक खाली बचा है। साइड में प्लास्टिक का पाइप, चलो देखो। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट करके पाइप को भी सेटिंग कर ली हूँ। थोड़ा यहाँ पर एनामोल लगा के आपको यहाँ पर इसको लगा देना है। चलो टाइट करो ना। देखो तो पूरा कंप्लीट हो चुका है ऊपर का ढक्कन लगा के। अभी दोनों चक्का का जो ऑयल सील उसको डाल के उसके बाद स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा जो हाइड्रोलिक है किस तरीके से सही हो चुका है। पहले जो ऊपर आके फंस गया था। ये भी एक गाड़ी है, देखो इसका भी काम है पीछे का सामने का। वो भी हार्वेस्टर काम करके उसको ऊपर में उठा दिया हूँ। देखो तो पूरा गाड़ी बना के जो है कंप्लीट कर लिया हूँ। अभी स्टार्ट करके आपको हाइड्रोलिक चेक करके दिखाता हूँ। ए मुन्ना जा स्टार्ट कर गाड़ी को। स्टार्ट हो चुका है, चलो दिखा पीछे हाइड्रोलिक उठा। देखो तो अभी काम कर रहा है, उतार, उतरना भी चालू हो गया है। इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो है हाइड्रोलिक खराब होने से घर में बैठ के आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना ताकि जो मेरा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ठीक बराबर।